Hey, what's up everyone, welcome back to another brand new video। भाई क्वारंटाइन में बैठे हो तो यार मेरी वीडियो देख लो आज और आप सीख जाओगे कि भाई सेबर इफेक्ट कैसे बनाते हैं एंड्रॉयड पे। यार मैंने एक ओवरले अपलोड किया था बहुत थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे एंड उसमें मैंने लोगों में जो है सेबर इफेक्ट यूज़ किया था। भाई आपका इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आया कि भाई प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल आओ देखो। वो ओवरले जो है मैंने बनाया था आफ्टर इफेक्ट्स में, जो कि है बहुत ही पावरफुल पीसी का सॉफ्टवेयर, बट मैं आपके लिए एक तरीका ढूंढ रहा हूँ कि भाई आप उसको एंड्रॉयड पे कैसे कर सकते हो, सेम टू सेम नहीं बट सिमिलर, थोड़ा कम थोड़े पॉइंट आप नेगेटिव पॉइंट्स होंगे बट बहुत ही कूल लगने वाला है आज का इफेक्ट। सो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपने पूरा ओवरले क्रिएट करके अपने इमेजिनेशन वगैरह और एनिमेशन सारा कुछ में डाल देनी है, ठीक है। एंड जो एंड में लोगो रहेगा, लोगो जैसे लोगो एंटर स्लाइड अप होता है एंड डाउन होता है, उसमें इफेक्ट डलेगा बढ़िया सा एंड आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज जो मैं ओवरले में आपको डाल के दिखाऊंगा सेबर इफेक्ट सेम ही वे इंट्रो में भी, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस हम आ गए PSCC में एंड भाई PSCC आपने कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दे रखा है, उस डिस्कॉर्ड के चैनल का आप जब ज्वाइन करोगे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अब सपोज आपने ये ओवरले बना लिया, जैसे मैं कोई भी ओवरले उठा रहा हूँ, ठीक है ये ओवरले बना लिया, इसमें टेक्स्ट वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया एंड लोगो भी ऐड मैंने कर दिया। एंड देन आपने सिंपली क्या करना है, अपने लोगो पे जाना है, ये रहा लोगो, ठीक है, इसको सिलेक्ट पिक्सल्स करने हैं, इसके नीचे एक एम्प्टी लेयर लेनी है, ओके। एंड आपने जाना है, सॉरी मेरे सिलेक्ट पिक्सल्स बंद हो गए, एक मिनट, सिलेक्ट पिक्सल करिए लोगो के, फिर जाना है फिल एंड स्ट्रोक में, इसको स्ट्रोक दे देनी है, ठीक है, स्ट्रोक जितनी है उतनी देनी है, यानी कि 4 pixels बहुत है, इनफ रहती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक जो है क्या कहते हैं मतलब रफ सी आई है, तो मैं इसको फिक्स करने के लिए क्या करूँगा कि डिलीट कर दूंगा एंड देन सेलेक्ट पिक्सल्स अगेन करके मैं स्ट्रोक दूंगा ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके इसको स्ट्रोक जब दूंगा तो थोड़ी स्मूथ आएगी, बेसिकली पूरी स्मूथ तो नहीं आएगी बट ठीक है, इतनी स्मूथ आ चुकी है। एंड देन आपने स्ट्रोक के सेलेक्ट पिक्सल्स करने हैं। अब देखिए ऐसे स्ट्रोक की तो ऐसा मतलब थिन लाइन नहीं आई, तो मैं सिंपली ऐसा कर देता हूँ, लेकिन आपने बेसिकली सिंपल स्ट्रोक दे देनी है अगर आपका लोगो सही है, ठीक है। अभी आपने स्ट्रोक के सेलेक्ट पिक्सल्स करने हैं, एक एम्प्टी लेयर इसके ऊपर लेनी है एंड इसको अपनी मर्जी का ग्रेडियंट दे देना। देखिए मेरा यहाँ पे जो थीम है वो है येलो कलर का, तो मैं इसको येलो टाइप ग्रेडियंट दूंगा, सो बेसिकली ये वाला मैंने इसको ग्रेडियंट दे दिया है। एंड देन अपनी वाइट वाली स्ट्रोक हम डिलीट कर देंगे, सो वी हैव दिस थिंग नाउ, ठीक है। सो अभी मुझे ये जो मेरे लोगों के साइड पे वाइट सी स्ट्रोक है वो मैंने हटानी है क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो मैं उसको हटा देता हूँ फटाफट से हटा दिया। एंड मैं जो स्ट्रोक मैंने हमने बनाई थी उसको भी सेट रिसाइज कर देता हूँ। हाँ तो गाइस ये बेसिकली आपने इतनी स्ट्रोक बना ली है एंड देन आपने लोगों को थोड़ा सा लेयर को डिसेबल कर देना है। एंड देन आपने जाना है FX में, स्ट्रोक वाली लेयर पे हैं हम, FX में जाना है, ग्लास कर देना है, ठीक है। ग्लास करके आपने इसको इसकी जो अमाउंट है वो 15 रखनी है, जो स्केल है वो 1 रखना है, ओके इतना काम हो गया। एंड आपने फिर इसको डुप्लीकेट करना है एंड डुप्लीकेटेड लेयर की जो ब्लेंडिंग है वो लीनियर डॉज ऐड कर देनी है। लीनियर डॉज ऐड करने के बाद FX में जाना है एंड देन गॉजियन ब्लर कर देना है। भाई ग्लो मिलेगा खतरनाक, ठीक है ग्लो मिल गया, ओके सब ठीक है, बस यहाँ पे आपका इसका काम खत्म हो जाएगा, ये जो स्ट्रोक बनाई थी। एंड आपने अब सिंपली जो आपके सारे लेयर्स हैं उनको अकेले के लिए सेव कर लेना, अगर आपको एनिमेटेड ओवरले नहीं बनाना था तो मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हैं पुरानी वीडियोस। सो मैं सिंपल सिंगल लेयर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को एक ये चाहिए और लोगो चाहिए, सोशल मीडियाज नहीं चाहिए, बिकॉज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ एक तरीके का। सो एज अ PNG इसको मैंने सेव कर लिया एंड देन अगेन ओवरले में गए। एंड अभी ध्यान से देखिए आपने लोगों को अलग से सेव करना है, तो मैं लोगों को अलग से सेव कर रहा हूँ। एंड जो आपने स्ट्रोक बनाई थी उसको आपने अलग से सेव करना है। मैं इसको भी स्ट्रोक कहाँ गए भाई, ये रही, इसको भी मैं अलग से सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं काइन मास्टर। हम आ गए काइन मास्टर में, यहाँ पे 16:9 का प्रोजेक्ट रेशियो ले लेना है आपने। एंड देन आपने क्या करना है, पहले तो एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है सॉलिड में जाके, एंड देन लेयर में जाके आपने PSCC के फोल्डर से वो स्ट्रोक ले आनी है जो हमने बनाई थी। एंड इसको यहाँ जो एक सीजर है एंड उसके साइड वाला सेंटर वाले उस पर क्लिक करके ये फुल स्क्रीन कर देना है, ओके हो गया अपना काम यहाँ पे कंप्लीट। अभी आपने जाना है इफेक्ट्स में,
एंड आपने एक इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है, आपने गेट मोर पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक इफेक्ट आपने डाउनलोड करना है जिसका नाम है, एक मिनट ये लोड नहीं हो रहा भाई, लैग कर रहा है, जिसका नाम है मिराज इफेक्ट। तो मिराज इफेक्ट में डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कौन सा है एग्जैक्टली, ये वाला है। सो ये वाला इफेक्ट है, ये आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सो ये रहा, इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, जितना छोटा रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, इसके ऊपर अप्लाई कर देना। और अब अभी आप ऑलरेडी देखोगे तो भाई जो थोड़ा थोड़ा सेबर है वो आ गया है बट एग्रेसिव नहीं है। तो आपने जाना है सेटिंग में एंड मोड से कर देना 2, स्पीड बढ़ा देनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी फुल कर देनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ फुल करते ही आपको ये चीज़ दिखेगी, अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि भाई स्ट्रेंथ आपको कितनी चाहिए, आपको स्पीड कितनी चाहिए। तो मैं स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर दूंगा एंड इसमें मेरे हिसाब से इसमें 4 मोड्स है, 3-4। सो ये मोड्स हैं, आप मोड को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये थोड़ा इस इफेक्ट से बन गया हमारा, ओके। अगर आप चाहें तो इसकी डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं एंड डुप्लीकेट लेयर करके इसकी ब्लेंडिंग और स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब इसकी जो ग्लो ग्लोइनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, ओके। सो ये हो गया एंड आपने इसको कर लेना है एक्सपोर्ट, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट हम होने देते हैं। अभी एक्सपोर्ट हो गया, अभी आपने एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है 16:9 का एंड देन आपने यहाँ पे सिंपली जैसे हम ओवरले बनाते हैं वैसे बना लें, इसको कर देना है ग्रीन स्क्रीन, ओके। एंड देन हम ओवरले ले आएंगे अपना जो कि PSCC में ये रहा एंड अभी यहाँ पे हम अपना लोगो भी ले आते हैं। सो लोगो आएगा यहाँ पे PSCC एंड देन लोगो एंड देन इन एनिमेशन जो है वो एंटर स्लाइड अप रखेंगे। सो ये लोगो आ गया, यहाँ तक हमारा लोगो आ गया है। अब आपने वो फाइल ले ली है जो काइनमास्टर से एक्सपोर्ट करी थी जो कि ये वाली, ठीक है। इसकी जो ब्लेंडिंग है उसको कर देना है स्क्रीन भाई, जैसे स्क्रीन करोगे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड सिंपली जैसे हमने वहाँ पे किया था स्प्लिट स्क्रीन जाके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इन एनिमेशन जो इसकी रखनी है, इन एनिमेशन जो इसकी रखनी है वो रखनी है वाइप, लेफ्ट राइट कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि भाई पूरी आपने 3.5 से भी आगे ले जानी है जो कि इफेक्ट बहुत खतरनाक मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि भाई कैसा इफेक्ट मिलेगा आपको इसमें। सो लाइक ये इफेक्ट मिलता है, देखिए अगर इसको अगर इस सेबर इफेक्ट को आप डार्क बैकग्राउंड पे यूज़ करोगे तो भाई बहुत ही कतई जहर लगेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर जैसे मैंने ये ओवरले ले लिया अपना एंड इसको फुल कर दिया मैंने, लाइक इसको फुल कर दिया, ठीक है, एंड अब ये डार्क बैकग्राउंड है तो लोगो पे अगर हम देखेंगे अब तो भाई अब जो सेबर इफेक्ट है बहुत ही कूल लगेगा। अब देखिए सेबर इफेक्ट बहुत ही कूल लग रहा है, बट ये आपके ऊपर है कि भाई आपने कैसे डार्क पे यूज़ करना है, ब्राइट पे यूज़ करना है। बट अब यूज़ कर सकते हो सो इंट्रोज में, यूज़ कर सकते हो स्ट्रीम पैकेज और ओवरलेज में भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसा बढ़िया सारा कंटेंट देखने के लिए, बिकॉज यार 30K के बहुत ही पास हैं हम एंड भाई 30K पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया पैक ला के रखा हुआ है यार। जल्दी से 30K करवा दो यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बिकॉज वहाँ पे YouTube से पहले अपडेट आते हैं। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो यार बिकॉज वहाँ पे आपको पबजी के लेटेस्ट बैकग्राउंड्स मिलेंगे भाई, बहुत ही कूल बैकग्राउंड्स मिलेंगे। सो आई होप कि आपको सेबर इफेक्ट अच्छे से बनाना आ जाता होगा और अगर नहीं आता तो भाई मैं आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल भी ला रहा हूँ, बहुत ही जल्द PC ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एमलेट साइनिंग आउट।